श्री दादाजी दरबार में श्री केशवानंद महाराज की बरसी पर बरसी उत्साह धूमधाम से मनाया जा रहा है। दूर दूर से आए श्रद्धालु समाधि दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। शहर सहित दरबार में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और नागपुर सहित देश भर से श्रद्धालु दर्शन को आए हैं। दरबार समाधि दर्शन के साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा धूनी माई में हवन भी किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं के लिए एक तरफ जहाँ मंदिर ट्रस्ट द्वारा भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर श्री हरिहर भवन परिसर में भी श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसादी दी जा रही है। उत्साह पर श्री दादाजी की समाधि पर विशेष रूप से मालपुए और हलवे का भोग लगाया गया है। ट्रस्टी सुभाष नागौरी ने बताया कि मंदिर में सुबह 4 बजे समाधि स्नान हुआ, 5 बजे मंगल आरती हुई। इसके बाद मंदिर में समाधियों की सेवा पूजा प्रतिदिन की तरह चल रही है। रात्रि 8 बजे मंदिर में मां नर्मदा की 108 दीपक को से महाआरती होगी। इसके बाद दादा नाम का जाप होगा। रात करीब 10 बजे धूनी में सामूहिक रूप से हवन किया जाएगा। विदित हो कि बड़े दादाजी श्री केशवानंद महाराज ने वर्ष 1930 में 3 दिसम्बर को अगहन सूदी 13 पर खंडवा में समाधि ली थी। तभी से तिथि के अनुसार दादाजी दरबार में बरसी उत्सव मनाया जा रहा है। ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि में महाआरती और हवन के बाद श्रद्धालुओं को हलवा पूरी की प्रसादी दी जाएगी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।